गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हमारा सेमेस्टर सेकंड का आईसीटी सब्जेक्ट जो है उसका हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट करा हुआ है। अब सेकंड यूनिट का लास्ट सब यूनिट है, जो थर्ड सब यूनिट है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब वो हम उसके बारे में देखेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी अथवा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है ये देखिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो बेंजामिन ब्लूम था उसने दी थी, इसका नाम इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा। तो इसने बताया था कि थ्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के पालन, थ्री डोमेन्स होते हैं, द कॉग्निटिव डोमेन, द अफेक्टिव डोमेन, द साइकोमोटर डोमेन। द कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये नॉलेज बेस्ड डोमेन होता है एंड कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स लेवल्स, इसके सिक्स लेवल्स होते हैं, इनकॉम्प्रेसिंग इंटेलेक्चुअल थिंकिंग स्किल्स। एंड अफेक्टिव डोमेन जो होता है एटीट्यूडनल बेस्ड डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ फाइव लेवल्स, इनकॉम्प्रेसिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। एंड साइकोमोटर डोमेन स्किल्स बेस्ड डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स लेवल्स, इनकॉम्प्रेसिंग फिजिकल स्किल्स और द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस। ठीक है, ईच ऑफ दीज थ्री डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी टायर्ड हायरार्की स्ट्रक्चर फॉर क्लासिफाइंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी। द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन देखिए, नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लीकेशन, एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन। ब्लूम्स ओरिजिनल टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ये विनोद पब्लिकेशन की बुक का मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप देखिए। इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग चेंजेस इन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मेरे पास इसका हैंड रिटन मटेरियल भी है जो बहुत अच्छा सा हमने जे एस वालिया की बुक से किया हुआ है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मैं आपको वो शेयर करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ तक था हमारा ये ब्लूम टैक्सोनॉमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।